नमस्कार दोस्तों, एक और नया दिन और एक और नया सुबह के बाद में मिलता हूँ आपसे। दोस्तों अभी हूँ मैं, देख सकते हो कि ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पर, मतलब क्योंकि विंटर सीजन तो आ गया है यहाँ पर। पूरे एरिया में तो विंटर ही विंटर्स, मतलब इतना ठंडी नहीं है लेकिन विंटर सीजन तो चालू हो गया ना। तो दोस्तों अभी मैं हूँ, हमारा जो यहाँ पर फार्मिंग होता है, मतलब जैसे विंटर सीजन में तो आपको पता ही होगा, विंटर सीजन में गांव के लोग बहुत कुछ फार्मिंग करते हैं, जैसे कि बैंगन जैसे सब्जी, मूला और प्याज और बहुत सारे, मतलब इतना जो साग पाक जो जो आइटम है ना, है जो ग्रीन टाइप का जो आइटम है उसको मतलब फार्मिंग करते। तो वैसे ही दोस्तों हमारा यहाँ पर फार्मिंग हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों मैं जहाँ पर भी अभी खड़ी हूँ यहाँ पर भी होगा, यानी बारिश के वजह से अभी रुका हुआ है। अभी तो ये बारिश के वजह से दोस्तों रुका हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या फार्मिंग हुआ है यहाँ पर और कैसे हुआ है हमारा। मैं तो नहीं किया हूँ, मेरे भाई लोगों ने किया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटा छोटा जो है यहाँ पर, ये शायद दोस्तों मूला ही है ना, और क्या मूला ही होगा वो। वहाँ पर कोई साग है जो जैसे कोसला सुसला जो साग बोलते हैं ना, साग उड़िया में साग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। तो दोस्तों ये है कुकुम्बर, तो काकड़ी जो काकड़ी होते हैं ना कुकुम्बर, ये है ऐसे ही लगा हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ है, अब देख सकते हो कुकुम्बर, वहाँ पर कुकुम्बर लगा हुआ है कुकुम्बर। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ नहीं लगाया हुआ है शायद, यहाँ पर प्याज लग गया, जो प्याज है ना यहाँ पर ही लग गया। वहाँ पर देख सकते हो वो क्या चीज़ है, वो जो बीन, दोस्तों जो बीन है वो बीन है, शायद बीन ही होगा, मुझे तो ठीक से मालूम नहीं। यहाँ पर बीन लगाया जाएगा, नहीं प्याज से यहाँ पर लगाया जाएगा, बीन भी यहाँ पर लगाएगा। वहाँ कुछ कुछ छोटा छोटा है, देखते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं उठा हुआ है लेकिन कुछ लगाया जाएगा, अभी तो लगाया गया नहीं। दोस्तों ये है बैंगन का ट्री, मतलब तीन ही है ये, मतलब फूल धरा हुआ है यहाँ पर फूल। दोस्तों यहाँ पर है टमाटर, टमाटर यहाँ पर ये टमाटर लगा हुआ है। वहाँ से धनिया लगा हुआ है, जो उसके पास धनिया लगा हुआ है। वो भिंडी, वो वाला बड़ा सा भिंडी है, उसमें उसको हमने क्या किया था ना, यहाँ पर हमने नेट लगा दिया था, क्योंकि आपको तो पता होगा गांव में जैसे गाय है और बहुत सारे जो बकरियाँ भी है वो खा जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर नेट लगा दिया था। लेकिन वहाँ पर नेट लगा नहीं है, वहाँ तक भी नेट, वहाँ पर मतलब बाकी का नेट वहाँ पर है, वो उसको लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा कितना केला हुआ है, मतलब केला वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर एक केला है, यहाँ पर दोस्तों एक केला है, यहाँ पर जो एक पेड़ में, तो दोस्तों वहाँ पर एक सिर्फ वहाँ पर केला है। दोस्तों यहाँ पर भी एक केला है, ये वाला जो केला है ना, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर भी एक केला है, मतलब केला 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 एक कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच नंबर हो गया। वहाँ पर भी केला है, वहाँ पर जो केला का पेड़ है, और वहाँ पर भी केला है, वहाँ पर बहुत केला है। मतलब यार दोस्तों गांव में रहोगे तो केला आम ये सब आपको बिल्कुल इतना इतना मतलब भरपूर मिलेगा, भरपूर। तो दोस्तों वहाँ पर तो हमने छोड़ के आए हैं, मतलब जो फार्मिंग को जो हुआ था, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पर क्योंकि बारिश के टाइम, मतलब मिट्टी गीला गीला है इसीलिए शायद कोई नहीं आया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाला जो हमने मतलब जो काट है हमने काटे थे उसको, मतलब
फिनिशिंग करेगा, मतलब फर्नीचर बनाया जाएगा, इसलिए इसको ट्रैक्टर में लोड करके इसको काटना पड़ेगा। ऐसे मशीन से जो काटेंगे वो पटा निकलते हैं ना, इतना प्लाई जैसा पटा, देखते हैं वो कोई दिन होता है, मतलब कब कब होता है, इसको कब निकालते हैं हम, वो तो आएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों देखते हैं, एक सांप है, देखते हैं क्या है या नहीं। बड़ोटा बड़ोटा ना, छोटा नहीं, सांप से कहीं कहीं जे, हाँ बड़ी बड़ी नहीं बड़ी बड़ी आ कौन रही बड़ी बड़ी नहीं ता भीतर कोई छण भीतर हो गोटे मटर ना जा हिसाब रे बेटा, आ गया आ गया ভিতরে পইছি বুড়া থঙ্গ থঙ্গ পিন্ধুছ কি হাত মারুছ।